फिर ये कि ये जो सबसे तेज तरीन फेकू एक्सप्रेस है हमारे पास, जिसको घसीटा बॉलर कहते हैं, मतलब एक तेज तरीन बॉल फेंक के तुम अजाब बन के पाकिस्तान क्रिकेट पे छाए रहे, बस ये कौन सी तुम्हारी सेटिंग हो गई है कि तुम ये कह रहे हो कि इंडिया जो है वो जानबूझ के हार गया साउथ अफ्रीका से? लाना था, मतलब ऐसी अप्रोच क्या 2003 याद दिलाना पड़ेगा? ये भी थे 2003 सेंचुरियन भूल गए? आज तक लोग जीने नहीं देते कि यार वो क्या 153 पे कट मारा था वो स्टैंड में, वो क्या सटंडोल करने फ्लिक मारे तो ऊपर चढ़ चढ़ के। तो भाई ये कैसे इन बच्चों पे इल्जाम लगा देते हैं वर्ल्ड क्रिकेट के कि इंडिया को तो डिजर्व ही नहीं करता, हमें मरवा दिया। अबे क्या इंडिया और पाकिस्तान मिलके खेलने थोड़ी गए, वो अपने लिए खेलने गए, तुम्हारी टीम ने क्या कर दिया तुम्हें क्या? अच्छा एक बात, जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें जिस तरह पाकिस्तान को पहले भारत के हाथों एक करारी हार मिली और उसके बाद जिस तरह जिम्बाब्वे से पाकिस्तान ने मैच गुवाया, उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्रदर्शन पर पाकिस्तान में काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में दिक्कत यह है कि कुछ लोग जो थोड़ा बहुत पाकिस्तानी टीम का आज भी कुछ भला चाहते हैं और जो चाहते हैं कि जब टैलेंट के बेस पर खिलाड़ियों का सिलेक्शन हो, उन लोगों की आवाज पाकिस्तान में आज भी दबा दी जाती है। और PCB के अंदर सबसे ज्यादा एक करप्शन का टोला है जो कि उस पर हावी है और वह हमेशा ही अपने रिश्तेदारों के बच्चों या अपने जो करीबी लोग होते हैं ज्यादातर उनको टोपी फिराकर ग्राउंड के अंदर ले आते हैं। तो दोस्तों उसी की वजह से पाकिस्तान की हालात आज इतनी पतली हो चुकी है। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को लेकर थोड़ा बहुत छत उकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी सुनने वाला नहीं है। तो दोस्तों इसको लेकर देखिए, जब शोएब अख्तर ने किस तरह भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के साथ जो मैच हारी थी उसमें विराट कोहली के हाथों से जो कैच छूटा था, उसके बारे में शोएब अख्तर ने भी कुछ कहा था कि भारत ने वजह से हम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो रहे हैं। तो इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया देखिए शोएब अख्तर की किस तरह से जमकर क्लास लगा रहा है। और दोस्तों शोएब अख्तर को खुद अपनी टीम के बारे में ध्यान देना चाहिए, न कि इंडियन टीम के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं शोएब अख्तर की किस तरह से पाकिस्तान के दो इस क्रिकेट एक्सपर्ट ने जमकर क्लास लिया। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। इससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए करते हैं यहाँ से, ये बताए ना कि क्या ये पाकिस्तान से खेलने के अहल थे, क्या ये T20 खेलने के भी अहल थे इस स्ट्राइक रेट के ऊपर, इस एवरेज के ऊपर, जिसको झूठ बता बता के ये साथी टुक टुक कप्तान, उन्होंने अभी से षड्यंत्र क्या रचा है सुन लो। वो कहते हैं कि यार यही दोनों तो आपको मैच जिता रहे, दो मैच ये नीचे की बॉलों पे मैच जिता रहे हैं, इसीलिए इन्हें बर्दाश्त कर रही थी कौम के ये वर्ल्ड T20 में भी ऐसा ही खेल लेंगे। वर्ल्ड T20 में तो कुछ किया नहीं, तो बहुत क्लोज काउंटर, बहुत लानत तुम्हारे ऊपर के तुम जिम्बाब्वे भी तुमसे क्लोज खेल रहे। PCB ने वीडियो रिलीज की कि हारिस रऊफ ने बच्चे के बॉल मार दी और उसके बाद उसके पास गए, गले लगाया, पूछा कि ठीक है ना, स्टे स्ट्रॉन्ग और ये वो ड्रामा। अबे कामरान गुलाम ने जब तुम्हारा कैच छोड़ा था लाहौर कलंदर में, उसको तो तुमने थप्पड़ क्या मारा था। जिम्बाब्वे ने जो तुम्हारी मारी है वो ज्यादा गहरा जख्म है भाई, वो जो लौंडे के लगी है कुछ लगी। अच्छा मैं विराट के मार देते ना, पांचवी बॉल जिसमें उसने पीछे होके छक्का मारा है। अब अपने पौके पंडरों पर्चियों साजिशों को बचाने के लिए नैरेटिव क्या बिल्ड कर रहे हैं? वो पहले हारिस ने कहा, फिर शादाब ने जब कल मैन ऑफ द मैच ले गए वो थकेली टीम के खिलाफ, तो वो ये कह रहे हैं कि हमने बड़ा क्लोज मैचेस खेले। डाल रहे हो क्या आप क्लोज खेले? अबे लानत है इंडिया से तुम्हें फास्ट शिकस्त हुई, जीता हुआ मैच हारे तुम, घंटे का क्लोज, जिम्बाब्वे से जीता हुआ हारे, घंटा दो बार, सवा साल में दो बार जिम्बाब्वे से हार गई है, इस बार तो वर्ल्ड कप में हार गए, एक बार उनके घर में 118 नहीं हुए, वहां क्या है? बाबर ने वर्ल्ड कप में जिता दिया पाकिस्तान को, लालत है, वो तो कोई भी बच्चा जिता सकता था पाकिस्तान का। कौन सा मैच जिता दिया? नहीं वर्ल्ड कप में जिता दिया, वर्ल्ड कप में आप हार रहे थे 22 साल से, जीते इंडिया से हार जाते थे ऑस्ट्रेलिया, हाँ हाँ फाइनल सेमीफाइनल भाई हसीना मारा था। तो यही मैं कह रहा हूँ कि हम तो अच्छे खासे मैच जीते, नंबर वन टीम रहे हैं हमेशा से, उसके बाद 2012 में आ जाए, 2014 में आ जाए, हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, उमर अकमल का 94 बताते जो छुपाते हैं। टीम नंबर वन थी जब बाबर आजम को दी गई है, सारे प्लेयर छोड़ के गया था सरफराज अपनी कप्तानी में, सारे प्लेयर जब से ये दो साल से जब से ये टोला आके बैठा है, इन सब ने पैसे बनाए, अपनी नंबरिंग बनाई, कल भी वो अपनी रिजवान T20 की रैंकिंग बचाने के लिए दो ओवर खेल गया, एक रन बनाने के लिए गौतम गंभीर ने
कपड़े फाड़ दिए इसके, कमेंट्री में बैठ के मैं बड़ा हैरान ज्यादा हुआ, क्योंकि वो अफसोस इस बात पे कर रहा था कि टॉप ऑर्डर की ये अप्रोच होती है। और भाई मैं हैरान एक और बात पे हूँ, अल्लाह करे और रैंकिंग मजबूत हो। आपको पाकिस्तान का नाम आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ दिया है, टीम को बैज लगा के खेल रहे थे, लगाए हुए, और आईसीसी कह रहा है कि आप अब घर जाइए, बैज ये लगाइए और फ्लाइट में जाइए। अब तो देखो आप अनोनी है, अनोनी इन सेंस है कि आप साउथ अफ्रीका को मार भी लोगे तो साउथ अफ्रीका नेदरलैंड से हारेगा। कह रहा है वो ये रह के, वही मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपके आपकी शिकस्त माइंडसेट की शिकस्त है। ये जो माइंडसेट पाकिस्तान क्रिकेट पे पिछले दो सालों से मुख्तलिफ साजिशों से और इनके प्रोटोकॉल में ये फॉर्मर ग्रेड्स जो बैठ के बातें कर रहे हैं ना, अब वो अभी भी रियल पिक्चर तो आपको दो दिन पहले तक बटलर क्यों नहीं है आईसीसी की रैंकिंग में, स्ट्राइनर्स क्यों नहीं है आईसीसी की रैंकिंग में। आमिर यही कह रहा है, सलीम मलिक ने भी कल यही बात करी कि यार सूर्या कुमार यादव को देख के लगता था कि वो 50 बॉलों पे भी अगर 50 करता ना तो कोई पूछने वाला नहीं था उसका, क्योंकि उसने फंसे हुए रन किए, मगर उसने अपने ना तो स्ट्राइक रेट को गिनने दिया, ना अपनी इंटेंट को गिनने दिया, ना अपना अपनी अप्रोच कम करी, ना अपनी वेरिएशन को चेंज किया। उसने टीम की रिक्वायरमेंट देखते हुए अपनी अप्रोच के हिसाब से वही किया जो बेस्ट था टीम के लिए, भले टीम आ गई, मगर यहाँ पर सूरत हाल ये कि अब पाकिस्तान टीम के अंदर जब ये बात की जा रही है कि शिकस्त के बाद इनके कपड़े फाड़ के इनको साइड में किया जाए, इनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए, तो फॉर्मर ग्रेड ग्राउंड में कूद के दो साल से यही रन कर रहे थे। अबे लानती हो तुम लोग, दो साल से चुप क्यों बैठे थे अगर वो इसी तरह रन कर रहे थे। और दूसरी बात हो रहा है, ये यूं है वो है, अच्छा भाई ये तो वो टीम है जिनके साथ एम्पायर ने मिलके तुम्हें पहला मैच हरा दिया था, तो इनकी जीत पर अपना खुशियों का जो है ना वो मीनार क्यों खड़ा कर रहे थे भाई। यो तो लड़े तो कम से कम 19.4 बॉलों तक 133 रन लेके साउथ अफ्रीका से लड़े। मैं कुछ दिवालिया लोगों की ट्वीटें देख रहा हूँ, मुंह नहीं लगाता मैं, ठीक है मुझे ना किसी को जवाब देना होता, लेकिन कुछ दिवालिया लोग हैं बड़े अरसे से सामने आ जाते हैं, वो लिख क्या रहे, इंडिया को कोई हक नहीं है वर्ल्ड कप खेलने का, वर्ल्ड कप यूं करने का यूं करने का। ओ मेरे भाई की तुम क्या कोई पागल हो, जहनी मरीज हो, सोफेस्टिकेटेड पागल जो होता है ना वो बहुत बड़ा पागल होता है, नफ्सियाती होता है। और तुम्हें पता है कि एक लड़के के रन पर वो पूरे 20 ओवर मुकाबला कर गए, अगर उनका एक और लड़का रन करेगा किसी भी जगह और ये वो विकेट थी जहां तुम्हारी टीम 130 पे फारिग हो गई जिम्बाब्वे से, नगारवा और एनगीडी का डिफरेंस पहचानो, सही है ना, मुजरबानी और रबाडा का डिफरेंस पहचानो, आनरिक नोटिया जैसा कोई नहीं है उनके पास कि जिसका बॉल 150 से जो है ना बातें करता है, फिर टिप्पा खाता है तो और उछलता है। अबे यार मजाक लगाया हुआ इन लोगों ने, ये बात करते हैं तफसील से साथ में यार। और मुझे पता है गौतम गंभीर कुछ अलहदा भी बोल जाते हैं, फला भी बोल जाता है फला भी, लेकिन जब कोई खिलाड़ी फॉर्मर क्रिकेटर ग्राउंड में किसी मैच की कमेंट्री कर रहा होता है ना बॉस, तो उस पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। ड्यूरिंग मैच गंभीर हो या जो भी हो, हिंदी कमेंट्री में लोग क्या बोल रहे थे यार, ये डरी हुई सहमी हुई टीम है पाकिस्तान, इन ये डिजर्व ही नहीं करते आगे जाना है, ये 93 के मैच को भी उसी डिफेंसिव अप्रोच से खेल रहे, इन्हें तो अपना गुस्सा निकालना चाहिए था 8-9 ओवर में मैच में क्यों। अच्छा अब उस तरफ आ जाए जहां वासे ने सबसे पहले इशारा किया, यार यार ये इस गांव से अच्छी खबर नहीं आती। अच्छा क्या कह रहे हैं कि क्वालिटी पेस बॉलिंग के अगेंस्ट लड़खड़ा जाते हैं और ये हो जाते हैं, इन्हें क्या 2003 याद दिलाना पड़ेगा, ये भी थे इनके दो लेजेंडरी कप्तान भी थे, तीन बड़े फास्ट बॉलर थे, वो दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर रजाक भी थे, वो दुनिया के सबसे बड़े स्पिनर भी थे, उसके बाद पाकिस्तान का क्या हाल हुआ था भाई, ये 93 वो 2003 सेंचुरियन भूल गए, आज तक लोग जीने नहीं देते कि यार वो क्या 153 पे कट मारा था वो स्टैंड में, वो क्या सटंडोल करने फ्लिक मारे तोप पर चढ़ चढ़ के, तो भाई ये कैसे इन बच्चों पे इल्जामात लगा देते हैं वर्ल्ड क्रिकेट के कि इंडिया को तो डिजर्व ही नहीं करता, हमें मरवा दिया। अबे क्या इंडिया और पाकिस्तान मिलके खेलने थोड़ी गए, वो अपने लिए खेलने गए, तुम्हारी टीम ने क्या कर दिया तुम्हें क्या। अच्छा एक बात सुनो, इंडिया ने आपको मरवा दिया, मेरी राय पाकिस्तान के फेवर में है, मैं गलत बात नहीं करता जो मेरा दिल बोलता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से हार गया तो फिर इंडिया को कोसोगे, एस टीम तो इनमें बिल्कुल जान नहीं नजर आ रही है। मैं वेन्यू देख के कह रहा हूं कि सिडनी पाकिस्तान के स्टाइल ऑफ प्ले को सूट करता है, लेकिन वो भी यहाँ भुट्टे बुनने नहीं आए, बहुत हार लिए इस बार, बिल्कुल ही नहीं आए, कोई लेजेंड का बोझ ही नहीं है इस बार उन पर, याद रख।
अच्छा फिर ये कि ये जो सबसे तेज तरीन फेकू एक्सप्रेस है हमारे पास जिसको घसीटा बॉलर कहते हैं, मतलब आप ये देखिए कि यार ये अपने बारे में खुद क्या कहते हैं कि मुझे मिलियन डॉलर्स की मुझे जो है ना वो बैटिंग की वो हुआ करती थी जनाब, ठीक है, और मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें रॉस टेलर ने, डेमियन मार्टिन ने, ग्रेग ब्लेविट ने बहुत धोया है पकड़ पकड़ के, अभी मैं क्या बताऊं यार तुमने किया क्या, एक तेज तरीन बॉल फेंक के तुम अजाब बन के पाकिस्तान क्रिकेट पे छाए रहे, बस ये बर्दाश्त करना पड़ा भाई हमें, तुमसे बेहतर लोग जो पाकिस्तान को अच्छा सर्व कर सकते थे, तुमने 10 साल के करियर में ना फॉर्म लगी हुई, आप कह रहे हैं कि बाकी वाले कर देते, बाकी वाले कौन है, वो सब भी ओपनर है, वो बच्चे तो पहली दफा गए, उन्हें तो जबरदस्ती ट्रेन की सवारी दी है बाबर आजम ने। तो देखा होगा दोस्तों शोएब अख्तर भी उसी टोले में से है जो कि पाकिस्तानी पीसीबी पर अब बिल्कुल जमकर हावी हो चुका है, और यह सिर्फ अपने खुद के ढूंढे हुए चुनिंदा प्लेयरों को लाकर खड़ा कर दिया है, इनसे अब मैदान में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अभी देखा होगा आपने किस तरह पिछले मैच में भी 94 का स्कोर था, उसको लिए भी पाकिस्तानी टीम बिल्कुल मशक्कत करती हुई नजर आई, और कुछ चुनिंदा की लड़ी ऐसे भी है जो कि अपनी सिर्फ अपना स्कोर करने के लिए एक सेल्फिश इनिंग खेल रहे हैं, उसमें कॉमेंट्री में गौतम गंभीर ने भी चर्चा किया था। तो दोस्तों पाकिस्तान में जब तक इस में ठीक से सिलेक्शन नहीं होगा तब तक लगता नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ज़्यादा कुछ कर पाएगी, तो दोस्तों इसीलिए हम आपके पाकिस्तानी मीडिया के वर्ल्ड कप से रिलेटेड एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।